सोचने जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी हो कर मैं ना हूं कैसे कहूं किससे प्लेन में बैठकर मजा आया ना? बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था जैसे देवताओं ने कपास के खेत उगाए हों। रामायण में जिस पुष्पक विमान के बारे में पढ़ा था शायद वो कुछ ऐसा ही होगा, है ना? यही कहीं उस बिरजू को कुछ मिला था जो उसने मुझसे छुपाया था। कमरे में कुछ ना कुछ खेल तो जरूर हुआ। कोई तो था इस कमरे में। अब इन कपड़ों से ही मुझे पता चलेगा कि यहां पर कौन था और वो बिरजू मुझसे क्या छुपा रहा था। तो विशाखा के कपड़े हैं, इन्हें कैसे मिल गए? हे भगवान, अगर इन्हें पता चल गया कि वो यहां थी तब तो अनर्थ हो जाएगा। चलो हमारा सामान। डोंट वरी मैम, बिल बॉय सामान लेके आएगा। एनी फ्रेजाइल सर? नो, चलो। मिसेस देवपुरोहित। वेलकम सर, रूम नंबर 226। थैंक यू। सुनिए, वो बाहर आपसे महिला अंग्रेजी में क्या पूछ रही थी? वो ये पूछ रही थी क्या हमारे पास कोई फ्रजाइल, मेरा मतलब है कोई ऐसी चीज है जो टूट सकती है। मैंने उसे कह दिया हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं है सिवाय मेरे दिल के। हेलो। हेलो संधन जी, वैशाली बोल रही हूँ। राधे राधे बहन जी। राधे राधे। कैसी हैं आप? और हाँ, शास्त्री जी के क्या हाल हैं? हम दोनों कुशल से हैं। राधिका और देव बाबू का कोई समाचार मिला? हाँ हाँ, दोनों अच्छे से पहुँच गए हैं और दोनों बहुत खुश हैं। शादी के बाद कहीं जा नहीं पाए थे ना राधिका की तबीयत की वजह से। बहन जी, जो बुरा होना था हो चुका है, अब देखिएगा सब अच्छा ही अच्छा होगा। बिल्कुल, और अब तो हम सबकी दुआएं उन दोनों के साथ हैं। अच्छा, आज मैंने आप सबको दिल्ली आमंत्रित करने के लिए फोन किया है। जी वो अब देखिए, मना मत कीजिएगा,
दरअसल 2 दिन बाद माँ जी का जन्मदिन है। हम चाहते हैं कि सारे अपने लोग यहाँ इकट्ठा हो जाएं और माँ जी का जन्मदिन मनाएं। जी ये तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है। बस ये मंदिर से वापस आ जाए फिर मैं इनसे पूछकर आपको आने का समय बता दूंगी। चलिए ठीक, राधे राधे। राधे राधे। Thank you. इस पल का मुझे कब से इंतजार था। अब यहां कौन आ गया? जाइए ना, देखिए। अरे यहां तो छोड़ दो। This is welcome just from our hotel. Thank you. Have a pleasant stay, sir. I hope it's not alcoholic. No sir, it's fruit punch. Thank you. अभी आपने इनसे अंग्रेजी में क्या पूछा? मैंने इनसे तो, पर तुम पूछ क्यों रही हो? ऐसी सब अंग्रेजी में बात करते हैं, हिंदुस्तान है, हिंदी में बात करनी चाहिए। क्यों, तुम्हें जलन हो रही है? वैसे अगर तुम्हें जलन भी हो रही है तो मुझे तुम पे कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है। मेरा प्यार और बढ़ते जा रहा है। एक मिनट। अब यहां भी फोन। तुम हंस क्यों रही हो? हेलो, कॉलिंग फ्रॉम रिसेप्शन। सर आप अपना रूम अल्फा फ्लोरिस्ट के यहाँ से सजवाना चाहते थे ना? सर वो लोग आ गए हैं, अगर आप कहें तो आपके रूम में भिजवा दूँ उन्हें। नहीं नहीं अभी नहीं, मुझे अपनी वाइफ को सरप्राइज देना है। हम अभी बाहर जाने वाले हैं, हमारे एब्सेंस में आप दूसरा कमरा सजा दीजिएगा। ओके सर, गाड़ी रेडी रखूं? हाँ गाड़ी रेडी रखो, हम अभी आते हैं। ओके थैंक यू। किसका फोन था? वो नीचे से फोन था, वो कह रहे थे कि जो मैंने गाड़ी मंगवाई थी वो आ गई है, एकदम बीच चलेंगे। बीच? समुद्र किनारे। सच? मैं फिर सागर देवता को भी प्रणाम करूंगी। तुम प्रणाम भी कर लेना और डुबकी भी मार लेना। चलो मैं तैयार होकर आ जाऊं। हाँ? मैं बस अभी आई। सुनिए। क्या हुआ? इसमें से पानी कैसे आता है? नल तो है लेकिन नलका कहाँ है? बताइए ना, मैं कौन सा नल खोलूं जिससे पानी आ जाए? ओफो, आप ये तो गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? अब क्या करेंगे? बताइए ना क्या हुआ। राधिका, ये ऐसा नल है जिसमें अपने प्रेमी का नाम लेकर उस नल के नीचे अगर हाथ ले आओ तो पानी आ जाता है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अरे मैं सच कह रहा हूं, तुम एक बार करके देखो, पानी आ जाएगा। हम मजाक कर रहे हैं ना? मैं सही में सच कह रहा हूं। इस होटल में पति पत्नी नहीं आते, ये प्रेमी और प्रेमिका के लिए बनाया गया है। देखो मैं करता हूं।
राधिका। देखा अब तुम करो। अरे पहले नाम तो लो। देव। देखा क्या? इतना सुंदर मंदिर आपने दिखाया, अब आप मुझे क्या दिखाने लेकर आए हैं? देखो बहुत अच्छी जगह है, इसलिए आंखें धीरे धीरे खुलना और अच्छी दिखेगी। लेकर आया राधिका, ये क्या कर रही हो? समुद्र देवता को प्रणाम कर रही थी। ठीक है चलो थोड़ा और आगे से प्रणाम कर लो। देवता धन्यवाद, हमेशा मेरी राधिका को ऐसे ही तंग करते रहना ताकि वो हमेशा मेरे गले यूं ही आकर लगती रहे। वो तो पानी ठंडा था, वरना पानी से कौन डरता है? तुझ पे ही आके रुकूं, तुम मेरे
राधिका, ये क्या किया तुमने? ये तो खारा है। राधिका, समुंदर का पानी खारा ही होता है, तुमने पिया क्यों? मैं तो बस जल आचमन कर रही थी, मेरा तो सारा मुंह कड़वा हो गया। चलो ठीक है, तुम्हारा साथ देने के लिए मैं भी आचमन कर लेता। मेरी राधिका का मुंह कड़वा हो गया तो मैंने भी कर दिया, उसे तकलीफ में अकेले थोड़ी ना छोड़ सकता हूँ। चलो अब वहां चलकर अपने मुंह का स्वाद ठीक कर लेना। माँ जी, ये फोटो आए नटराज इशूजा से। अरे ये तो पार्टी की फोटोग्राफ्स होंगे, दिखा ना बिरजू। देखो तो वो। दादी माँ मुझे भी दिखाइए ना। दादी माँ हम भी देखेंगे। माँ जी, हमारी छोटी बहू इन सब फोटो में कितनी सुंदर लग रही है ना। हमारी छोटी बहू हमेशा अच्छी लगती है। हाँ दादी माँ, पर उस दिन हमारी छोटी बहू कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रही थी। वैसे हमारा देव भी कम डैशिंग नहीं लग रहा। हाय हाय, हम इन फोटो में कुछ ज्यादा ही मोटे तो नहीं लग रहे हैं? या शायद कैमरा खराब था, क्यों जी? बिल्कुल सही, तुम कहाँ मोटी हो, तुम तो एकदम फिट हो, स्लिम ट्रिम हो। कैमरा ही खराब होगा ना, क्यों मृणाली भाभी? अरे बेटा, उस दिन पार्टी बहुत अच्छी हुई थी, सब बहुत खुश थे, इसीलिए सब अच्छे लग रहे हैं। दादी माँ, क्या पते की बात की आपने? आप सब तो ऐसे एक्साइटेड लग रहे हैं जैसे किसी पेज 3 पार्टी की फोटोग्राफ्स। गिव मी अ ब्रेक, घर का ही तो फंक्शन था, हम सब थे वहाँ, खुद के फोटोग्राफ्स देखने में कैसा मजा? जी जी, वो फोटो देखने में और भी ज्यादा मजा आता है जिसमें आप खुद होते हैं। एक खुशी तब हुई थी और एक खुशी आज हो रही है। अब तुमने पते की बात कही है। थैंक यू दादी माँ। जी जी, ये देखिए ना, इसमें हम दोनों नाचते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं ना। देखिए ना जी जी, बिल्कुल जुड़वा बहने जैसी है ना। क्यों दिखा रही हो दीपिका, नहीं देखनी मुझे फोटोग्राफ्स, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और है क्या फोटोग्राफ्स में देखने लायक? हेलो, मैं तुम ही से बात कर रही हूँ, कहाँ जा रही थी? क्या हुआ दीदी? ये देखो ना इस लड़की को, पता नहीं कहाँ जा रही थी। जी, वो मुंह धोने जा रही है। राधिका उस दिन एक डांसर को ऊपर लेकर जा रही और उस डांसर के कपड़े स्टोर रूम से मिले। आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है? Excuse me. Welcome to Maria's shop. What will you have? Can we have something to drink? I will give you my special. Thank you. ये यहाँ का special लेके आ रहे हैं। एक काम करो, तब तक तुम ये पानी पियो। पकड़ो मेरी glass. पानी भी खराब लग रहा है। पूरा मुंह कड़वा हो गया है। राधिका, हो सकता है कुछ मीठा पीने के बाद तुम्हारी कड़वा चली जाए। रुको।
grand slasher. मतलब? Divine pleasure. Divine का मतलब पवित्र और pleasure का मतलब आनंद. इसका मतलब हुआ पवित्र आनंद. इतना प्यारा नाम है पवित्र आनंद. राधिका, हो सकता है शुरुआत में कड़वा लग रहा हो, आगे अच्छा लगेगा. पियो. एक्सक्यूज मी, व्हाट वाज दिस? मरिया स्पेशल डिवाइन स्लैशर. या बट व्हाट? फैनी. फैनी मतलब काजू की शर्ट.